नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंटर्स की, हाउ टू इंस्टॉल लोकल प्रिंटर एंड हाउ टू इंस्टॉल नेटवर्क प्रिंटर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप टेक्निकल वीडियोस का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट डिवाइस एंड प्रिंटर्स, एड अ प्रिंटर। व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल, लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर? तो चलिए इंस्टॉल करते हैं लोकल प्रिंटर। चूज अ प्रिंटर पोर्ट। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर आप सही पोर्ट यूज़ करें। अगर आप सही पोर्ट यूज़ नहीं करते हैं तो आपके लोकल प्रिंटर के थ्रू प्रिंटआउट्स नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप सही पोर्ट यूज़ कीजिए। इट कैन बी यूएसबी, इट कैन बी एलपीडी और इट कैन बी क्रोम। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर चूजिंग द करेक्ट पोर्ट। जो भी आपका पोर्ट है आपके लोकल प्रिंटर के अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिए। लेट सपोज एलपीडी। नेक्स्ट इंस्टॉल द प्रिंटर ड्राइवर। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मैनुफैक्चरर, आपका जो भी प्रिंटर का ब्रांड है यहाँ से चूज़ कीजिए। और हेयर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं एच पी लेजर जेट 2200 सीरीज ड्राइवर। तो आप देख सकते हैं मैनुफैक्चरर इज एच पी और ड्राइवर है एच पी लेजर जेट 2200 सीरीज ड्राइवर। इफ़ इन केस आपका ड्राइवर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। और अगर आपके पास सीडी ड्राइव है और आपके पास डीवीडी ड्राइव है तो भी आप हैव अ डिस्क ऑप्शन के थ्रू यहां से ब्राउज कर सकते हैं। कैंसिल। तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं एचपी लेजर जेट 2200 सीरीज ड्राइवर। नेक्स्ट यूज द ड्राइवर दैट इज करंटली इंस्टॉल रिकमेंडेड। नेक्स्ट तो गाइस इफ यू वॉन्ट टू चेंज द नेम आप यहाँ से नेम चेंज भी कर सकते हैं। चलिए लोकल प्रिंटर। शेयर दिस प्रिंटर, अगर आप चाहें तो आपका जो लोकल प्रिंटर है वो शेयर कर सकते हैं। और इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू शेयर क्लिक हियर। नेक्स्ट सो यू हैव सक्सेसफुली एडेड योर लोकल प्रिंटर। हमारा जो लोकल प्रिंटर है वो सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। अगर हम चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिनिश। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लोकल प्रिंटर है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। प्लीज़ मेक श्योर आप सही पोर्ट यूज़ कीजिए। अगर आप सही पोर्ट यूज़ नहीं करेंगे तो आप प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ नेटवर्क प्रिंटर। तो चलिए अब ऐड करते हैं नेटवर्क प्रिंटर। क्लिक नेटवर्क प्रिंटर। द प्रिंटर दैट आई वॉन्ट इज नॉट लिस्टेड, क्लिक हियर। ऐड अ प्रिंटर यूजिंग TCP/IP एड्रेस। तो हम नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। नेक्स्ट डिवाइस टाइप चूज TCP/IP एड्रेस। तो गाइस TCP/IP होता क्या है? TCP/IP होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम आईपी एड्रेस डालते हैं 192.168.0.1। प्लीज मेक श्योर हमारा जो सिस्टम है वो नेटवर्क प्रिंटर के थ्रू कनेक्टेड है। प्लीज़ गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप अ कमांड पिंग 192.168.0.1। तो गाइस पिंग कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, वहाँ एक जाके कमांड टाइप कीजिए पिंग, आपका जो भी नेटवर्क प्रिंटर का आईपी एड्रेस है वो उसमें डालिए और देखिए जो आपका नेटवर्क प्रिंटर है उसके थ्रू आप कनेक्टेड हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द नेटवर्क आईपी, रिप्लाई आ रहा है हमें नेटवर्क प्रिंटर से। सो दैट मीन्स वी आर कनेक्टेड विद दैट नेटवर्क प्रिंटर। नेक्स्ट सो नाउ इट इज डिटेक्टिंग दैट आईपी एड्रेस। सो गाइस प्लीज मेक श्योर आप सही आईपी एड्रेस डालें और प्लीज आईपी एड्रेस एक बार चेक कर लें पिंग कमांड के थ्रू, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आप कनेक्टेड हैं नेटवर्क प्रिंटर के थ्रू। और ऑल्सो प्लीज चेक योर नेटवर्क प्रिंटर, और अगर आपका नेटवर्क प्रिंटर भी ऑन है और आपका आईपी एड्रेस भी सही है और फिर भी आपका जो है कनेक्टिविटी नहीं है तो प्लीज़ एक बार आपकी जो है लैन केबल चेक कर लीजिए। आपका जो प्रिंटर का लैन केबल है वो हिल तो नहीं गया है?
और आपके सिस्टम का लैन केबल भी प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। तो आपका, और अगर आप रिप्लाई आ रहा है, अगर आपका रिप्लाई आ रहा है आपके नेटवर्क प्रिंटर के थ्रू, सो दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद दैट नेटवर्क प्रिंटर। तो गाइस, एडिशनल पोर्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें चेक करनी है। डिवाइस इज टर्न ऑन, प्लीज मेक श्योर आपका जो नेटवर्क प्रिंटर है वो टर्न ऑन है, द नेटवर्क इज कनेक्टेड। तो वी ऑलरेडी चेक थ्रू पिंग कमांड, वी आर गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम द नेटवर्क प्रिंटर, दैट मीन्स वी आर कनेक्टेड। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पिंग कमांड के थ्रू चेक कर लिया है, हम नेटवर्क प्रिंटर के साथ कनेक्टेड हैं। द डिवाइस इज प्रॉपरली कन्फिगर्ड एंड द एड्रेस ऑन द प्रीवियस पेज इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो देखिए, नाउ इट इज डिटेक्टिंग दैट ड्राइवर मॉडल, अब ये डिटेक्ट कर रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर जो भी आपका नेटवर्क प्रिंटर है आप उसका सही आईपी एड्रेस यूज़ करें, और आईपी एड्रेस यूज़ करने के बाद प्लीज़ मेक श्योर सही ड्राइवर इंस्टॉल करें, बिकॉज अगर आप सही ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आप प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिप्लाई आ रहा है हमारे नेटवर्क प्रिंटर आईपी के थ्रू, दैट मीन्स हम नेटवर्क आईपी के साथ कनेक्टेड हैं। और प्लीज़ मेक श्योर आप सही आईपी एड्रेस डालें ताकि आप इजीली आपके नेटवर्क प्रिंटर के थ्रू प्रिंटआउट्स ले सकें। इंस्टॉल द प्रिंटर ड्राइवर, आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ब्रांड। तो हमारा नेटवर्क प्रिंटर है HP लेजर Z4300 सीरीज ड्राइवर, HP हो गया मैन्युफैक्चरर ब्रांड, और यहाँ आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स। तो चूज़ कीजिए HP लेजर Z4300, ड्राइवर। ओके, सो आप देख सकते हैं HP लेजर Z4300 सीरीज ड्राइवर इज़ अवेलेबल। तो हमारा जो ड्राइवर है वो अवेलेबल है लिस्ट में। इफ़ इन केस आपका ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास CD ड्राइव है और DVD ड्राइव है तो आप हैव अ डिस्क ऑप्शन के थ्रू यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। क्लिक नेक्स्ट, यूज द ड्राइवर दैट इज करंटली इंस्टॉल रिकमेंडेड। नेक्स्ट, प्रिंटर नेम, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेंज द नेम, आपके जो नेटवर्क प्रिंटर का नाम है आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू शेयर क्लिक हेयर, डू नॉट वॉन्ट क्लिक हेयर। नेक्स्ट, सो यू हैव सक्सेसफुली एडिड योर नेटवर्क प्रिंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नेटवर्क प्रिंटर है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर आप इसको डिफॉल्ट प्रिंटर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप डिफॉल्ट प्रिंटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक मत कीजिए। तो देखिए, लोकल प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है, नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है। लोकल प्रिंटर मेरा कनेक्टेड है LPD पोर्ट के थ्रू। आप प्लीज़ मेक श्योर, ध्यान रखिए कि आपका जो भी आपका पोर्ट है USB, LPD और COM, आप वही चूज़ करें। और जब भी आप आपका IP एड्रेस, जब भी आप आपका नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉल करें तो प्लीज़ मेक श्योर आप आपका सही IP एड्रेस यूज़ कीजिए, और आपका जो ड्राइवर है वो सही इंस्टॉल करें। इफ़ इन केस ड्यू टू XYZ रीजंस आपका जो नेटवर्क प्रिंटर का IP है वो चेंज हो चुका है, तो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग दैट प्रिंटर अगेन, दोबारा प्रिंटर इंस्टॉल करने से बेटर है कि हम सिर्फ IP एड्रेस चेंज कर लें। तो गो टू प्रिंटर प्रॉपर्टीज, पोर्ट, एड अ पोर्ट, TCP/IP, न्यू पोर्ट। नेक्स्ट, आपका न्यू IP एड्रेस डालिए 192.168.0.10। सो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग दैट नेटवर्क प्रिंटर अगेन, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे, ये बेटर तरीका है। प्रिंटर दोबारा इंस्टॉल करने से बेटर है कि हम सिर्फ IP एड्रेस से चेंज कर लें, अगर ड्यू टू XYZ रीजन से हमारे नेटवर्क IP एड्रेस चेंज हो चुका है तो। तो देखिए, नाउ इट इज़ डिटेक्टिंग दैट IP पोर्ट, ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। तो गाइस, प्लीज़ मेक श्योर आप सही IP एड्रेस यूज़ करें, और जो भी आपका नेटवर्क प्रिंटर का जो भी ड्राइवर है
वो सही इंस्टॉल कीजिए। अगर आप सही ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आप प्रिंटआउट नहीं ले पाएंगे। एडिशनल पोर्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, द डिवाइस इज टर्न ऑन, प्लीज मेक श्योर आपका जो नेटवर्क प्रिंटर है वो टर्न ऑन हो, नेटवर्क इज कनेक्टेड, चेक कीजिए आपका जो कनेक्ट नेटवर्क है वो कनेक्टेड हो पिंग कमांड के थ्रू, एंड द डिवाइस इज प्रॉपरली कन्फिगर्ड एंड द एड्रेस ऑन द प्रीवियस पेज इज करेक्ट। तो चारों चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, फिनिश, क्लोज। तो आप देख सकते हैं हमारा न्यू आईपी एड्रेस हैज़ बिन एडेड, हमारा न्यू आईपी ऐड हो चुका है। ओके तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी कंसर्न है, या आपको कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।